देश और दुनिया में तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, जो चिंता का विषय भी है। इसी बढ़ती आबादी को लेकर असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा और राजस्थान के बीजेपी नेता चिंता जाहिर कर चुके हैं। उधर एमपी में आईएएस नियाज खान के पोस्ट के बाद अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी इस चिंतन को स्वागत योग्य बता रही है, तो कांग्रेस का दावा है कि ये हर समुदाय में प्रजनन दर तो कम हो रही है। ये बात केंद्रीय मंत्री भी कह चुके हैं। मुस्लिम आबादी को लेकर काजी जहीरुद्दीन ने कहा कि मदरसे में मुस्लिम बच्चों को अच्छी तालीम दी जाती है, दीन पढ़ाया जाता है, मदरसे में बच्चा पैदा करना नहीं सिखाया जाता है। कुल मिलाकर मुस्लिम आबादी के सवाल पर एमपी में मच गया है बवाल। मुस्लिम आबादी पर बयान, शुरू हुआ घमासान। आबादी बढ़ने से जीवन प्रभावित होता है और जो हमारी पुरानी मदरसा शिक्षा पद्धति है, मदरसे एक अच्छी और बेहतरीन तालीम देते हैं, उसमें बच्चे पैदा करना नहीं पैदा करना इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं। एमपी टू आसाम छिड़ा महासंग्राम। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। ऐसे अनगिनत है हमारे पास में मामले, तो ये तो गलत है, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। आबादी पर सवाल, फिर मचा बवाल। तो ये शायद मैं फिर कहूंगा ध्यान मुड़ने के लिए मुद्दे बनाए जाए। और जनसंख्या विस्फोट किसी भी समाज किसी भी देश के लिए कोई सकारात्मक संदेश नहीं है। मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारी नियाज खान के बयान पर बवाल मच गया है। मुस्लिम आबादी में हो रही बढ़ोतरी के लिए एमपी से असम तक संग्राम है। आंकड़े भी बता रहे हैं कि देश में हिंदू घटे हैं और मुस्लिम आबादी बढ़ी है। बढ़ती मुस्लिम आबादी देश समेत दुनिया के लिए चुनौती बन रही है। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। आंकड़ों पर नजर डाले तो आजादी के बाद हिंदू आबादी में कमी दर्ज की गई, तो वहीं जिस मुस्लिम आबादी बढ़ी है जिस रफ्तार से, तो उस पर बवाल मचा हुआ है। महाडिबेट में आज चर्चा इसी पर, लेकिन पहले सवाल देख लेते हैं, सवाल क्या रहेंगे। पहला सवाल आज महाडिबेट का रहेगा, अनकंट्रोल्ड मुस्लिम आबादी, उस पर मचा है घमासान, क्यों। दूसरा सवाल रहेगा, कंट्रोल करने की बात तो सियासत का क्या काम। जी हाँ, जब बात नियंत्रित करने की हो रही है, नियंत्रण में रखने की हो रही है, तो फिर राजनीति क्यों हो रही है। तीसरा और आखिरी सवाल रहेगा कि देश हित में है सभी के लिए जनसंख्या नियंत्रण, तो सवाल क्यों और बवाल क्यों। महाडिबेट आज इन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी। खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी, नीलाभ शुक्ला जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तनुज दीक्षित जी हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, AIMIM प्रवक्ता हैं दानिश अली जी, आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। दानिश जी, क्यों नियत को लेकर सवाल है, एतराज क्यों है इस बात पर। देखिए, मुझे लगता है कि बात नियत की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीति की है, और आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि भारतीय जनता पार्टी, अभी आप बता रही थी कि देश के अंदर में हेमंत बिस्व शर्मा जो है, जो कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है, अब उनके आंकड़े ही दुरुस्त नहीं है। 1951 का वो जो आंकड़ा बता रहे हैं वो तो फरेबी आंकड़ा है, वो झूठा आंकड़ा है। 26.8 जो है आबादी थी उस वक्त में आसाम में, और उसमें अलग अलग जो थे स्टेट डिवाइड हुए। ये सारा फलसफा जो भारतीय जनता पार्टी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि ये जो मेंटालिटी है भारतीय जनता पार्टी की, आप देखिए, ये नया नहीं है। हिमंत बिस्व शर्मा जो कह रहा है ये नया नहीं है। आप इससे पहले भी देखेंगे कि दिल्ली के अंदर में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री आवास से चंद मिनटों दूर एक प्रोग्राम बनाते हैं, और उसमें अलग ऐलान ये कहते हैं कि मुसलमानों के यहां से, मुसलमानों के ठेले से आप कुछ खरीदिए मत। दूसरी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहती है कि आप चाकू को धार कर दीजिए। तो ये जो मेंटालिटी है, मुझे लगता है इससे बाहर निकलने की जरूरत। रह गई बात कि आबादी के लिहाज से, तो आबादी के लिहाज से कानूनी एतबार से जो चीजें जायज हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया नहीं जा सकता। दूसरे नंबर की बात, हमारे यहाँ सेंसस को लेकर आखिरी सेंसस जो आया 2011 में आया, सरकार इस पर तामदा नहीं है कि भाई नया सेंसस आना चाहिए, उस पर कोशिशें करने के बजाय जो फेक आंकड़े हैं उन आंकड़ों को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल,
आंकड़ों की जादूगरी हो रही है पंकज जी, यहां पर अगर इतनी ही चिंता है तो सही आंकड़े सामने क्यों नहीं लेकर आती है सरकार? देखिए अपर्णा जी, सवाल आंकड़ों की जादूगरी का नहीं है। देश में 65 साल में के आंकड़े सामने 50 से 2015 तक के, और 65 साल में मुस्लिम आबादी भारत देश में 40% बढ़ी है, फिगर है। हिंदू आबादी करीब 8% कम हुई, फिगर है, ये आंकड़े ही है। ना समझ आए तो चेक कर ले जिनको समझ नहीं आते। और दूसरा, हम तो नियाज खान साहब की बात करें, नियाज खान किस समाज से? मुस्लिम समाज से। यदि मुस्लिम समाज का कोई पढ़ा लिखा आदमी जो आज IAS जैसी बड़ी सेवा में जिम्मेदार पद पर है, यदि वो सलाह देता है कि शिक्षित हो, संस्कारित हो, कम संतान पैदा करो, विकसित समाज, और विकसित भारत की बात करता है, उसमें आपत्ति क्या है? यदि समाज का कोई काबिल आदमी, एक पढ़ा लिखा योग्य आदमी आपको सुझाव देता है तो उसमें आपत्ति क्या है? ये किधर लिखा हुआ है कानून में कि ज्यादा बच्चे पैदा करना ही कोई किसी नियम में नहीं लिखा हुआ? बिल्कुल। लेकिन ये इस पर विचार होना चाहिए। और हमेशा जब भी समाज के प्रगति की विकास की बात आए, सबको स्वागत करना चाहिए। मुसलमान भी हमारे भाई है, पर तकलीफ होती है कि आज वो IAS IPS में लिमिटेड नंबर है। इंजीनियर कितने लोग हैं? डॉक्टर ABJ अब्दुल कलाम एक नाम जिस पर आज पूरे भारत को गर्व है। हमने किसी भारतवासी ने कभी उनको मुसलमान के तौर पर नहीं देखा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय भारतीय जनता पार्टी तरफ से देश के राष्ट्रपति बने वो। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान का विषय और हिंदू का विषय नहीं था, वो योग्यता का विषय था। तो ऐसे योग्य मुसलमान कितने? क्यों सिर्फ 50-60 साल में एक ही आदमी से निकला जो भारत का मिसाइल मैन बनता है, जिसके ऊपर हर भारतवासी को गर्व है? बाकी मुसलमान क्यों नहीं हो सकते? क्या कारण है कि मदरसों को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते हैं? आप खूब अपने धर्म की वही पंकज जी एक बात समझना चाहूंगी आपसे मैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। जब बात यहां पर बेहतरी के लिए हो रही है, मुस्लिम समुदाय से ही आते हुए एक शख्स ने, वो जो अधिकारी है, पढ़े लिखे हैं, जागरूक है, अगर उन्होंने ही अपने ही समाज की कमियों को सामने रखने का काम किया है तो फिर बवाल कौन कर रहा है? प्रॉब्लम किसे है? मैं वही तो, प्रॉब्लम जिनको सामने स्क्रीन पर है आपकी, जो कह रहे हैं कि डाइवर्ट कर रहे हैं। भाई डाइवर्ट क्या कर रहे हैं? सर्वविदित सत्य है कि ये प्रमाण दिख रहा है, आपकी स्क्रीन दिखा रही है। एग्जैक्टली मैं 40% से ज्यादा की बात करता, 43.5% है, 8% के आसपास, 8.5% से अधिक हिंदू आबादी कम हुई है। 65 साल का फिगर है ये फिगर की बात करे तो भाई साहब हमारे अभी दानिश भाई, ये फिगर देख लीजिए, दानिश अली जी दिखा रहा है News 18, ये फिगर है जिसकी आप बातचीत कर रहे थे। इसके बाद यदि आपको न्याय साहब की बात बुरी लगती है, आपका विषय, आपका अधिकार है। अभी हमारा कानून तो बना नहीं है बर्थ रेट कंट्रोल करने का, लेकिन ये सत्य है अपर्णा जी, ये बाकी समाजों की तुलना में मुस्लिम माताओं के यहाँ संतान उत्पत्ति की दर ज्यादा है। हमारे मुस्लिम भाई बहन कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ते हैं बनिस्बत किसी और जाति के, धर्म के। सत्य है, ठीक है। मिलाप शुक्ला जी, जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो फिर क्यों नहीं आबादी को भी नियंत्रण में रखा जाए? देखिए नियाज खान जी की व्यक्तिगत सोच और व्यक्तिगत सलाह, ये लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, बशर्ते वो विवादित ना हो, उसकी बात से किसी को ठेस ना पहुंचे। अब नियाज खान जी ने ट्वीट क्यों किया ये प्रश्न नहीं है, नया बहस का विषय है। ये ट्वीट किया ना तो भाजपा को इसमें बहस करना चाहिए ना कांग्रेस को, लेकिन भाजपा इसको टूल बना रही है। टूल इसलिए बना रही है, नियाज खान जी के ट्वीट को टूल बनाकर मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कवायद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चर्चा क्यों नहीं कर रही कि लगातार प्रधानमंत्री ने 9 जून को जब मोदी ने शपथ ग्रहण की थी उस दिन सियासी जिले के अंदर एक बस पर आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद लगातार आज तक आतंकी घटनाएं बढ़ती जा रही, उस पर भारतीय जनता पार्टी पर बात क्यों नहीं करते? विषय पर ही कर रहा हूं, सिर्फ चुप रही है आप। आप जो है ट्वीट को टूल बना रहे हैं, मुद्दों से भटकाने का। नहीं लेकिन निलाप जी ठीक है, वो तो ट्वीट को टूल बना रहे हैं आप कह रहे हैं, लेकिन जरा मुझे एक बात बता दीजिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो और मुसलमानों की बेहतरी के लिए हो तो फिर इसमें कांग्रेस का स्टैंड है क्या? देखिए एक वर्ग विशेष की बात मैं नहीं करूं, पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, परिवार नियोजन होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। नियाज खान एक सरकारी अधिकारी, उच्च अधिकारी, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अगर उन्हें लगता है कि वो खुद उस विशेष वर्ग से आते हैं जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, मेरा कहना है कि इस मुद्दों पर जन जागरण अभियान होना चाहिए। और सभी वर्ग, जो लोग अशिक्षित हैं, जो लोग जनसंख्या की बढ़ोतरी में सहयोग नहीं दे रहे हैं, जो लोग इस तरह के परिवार नियोजन को नहीं मान रहे, मैं जन जागरण अभियान होना चाहिए। नियाज खान जी सर ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसको आगे बढ़ाते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाजपा इसको टूल जो बना रही है मुझे उस पर, ठीक है, बीजेपी इसे पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है आंकड़ों को भी और नियाज खान के पोस्ट को भी। तनु दीक्षित जी, क्या आपको लगता है कि किसी को सरोकार नहीं है कि समस्या का समाधान निकले? जिसको जो पॉलिटिकली सूट कर रहा है वो उसी तरह का स्टेटमेंट दे रहा है।
देखिए अपर्णा जी, इसके अंदर सबसे पहले आज हम बात करते हैं नियाज खान जो एक आईएएस ऑफिसर है, उनके ट्वीट के ऊपर ये मुद्दा छिड़ा है। तो देखिए नियाज खान एक पहले भी आपको अगर ध्यान हो तो ब्राह्मण द ग्रेट एक बुक निकाल करके भी काफ़ी चर्चाओं में रह चुके हैं और एक ऑथर भी हैं एक आईएएस ऑफिसर के साथ में। साथ ही साथ यहाँ पर आपने चर्चा करी असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की भी। तो देखिए असम की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले देश का जब बंटवारा हुआ 1947 में, उसके बाद पहली जनगणना जब हुई 1991 में, उस समय हिंदुओं की आबादी इस देश के अंदर 88% के आसपास थी और वहीं मुस्लिमों की आबादी 9.3% थी। वहीं 2011 में जब पुनः मतगणना की गई इस देश में तो हिंदुओं की आबादी घट करके 9% लगभग 8% घट करके और 79.8% के आसपास हिंदुओं की आबादी हो गई। वहीं मुस्लिमों की ये 9.3% की आबादी बढ़ करके 14.9% लगभग 15% के आसपास, जो कि 43% से ज्यादा खुद वो तो यही कह रहे ना कि कम भी बहुत थी आबादी, तो उसमें आप 43% का इजाफा मत देखिए, वो थे ही गिनती भर। लेकिन लेकिन बिल्कुल मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। तो इसमें आसाम के जो मुख्यमंत्री की टिप्पणी है उसके पीछे सबसे बड़ी चीज ये है कि जब बांग्लादेश एक राष्ट्र बना तब मुजीब उर रहमान जो है असम के पहले मुख्यमंत्री बने थे और मुजीब उर रहमान एक ग्रेटर ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का एक सपना रखते थे, जिसके अंदर वो आसाम का भी एक हिस्सा चाहते थे, पर वो उनका सपना और बड़ी खबर यहाँ पर आ रही, रोक रही हूँ आपको। असम सरकार ने लिया है बड़ा फैसला, सरकार ने मुस्लिम विवाह कानून को रद्द कर दिया है। असम के अंदर असम मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण कानून को रद्द किया गया है। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके दी है। तनुज दीक्षित जी, क्योंकि आप एक लॉयर भी हैं, समझा पाएंगे बेहतर इस कानून को रद्द किया गया है असम सरकार की ओर से। मैं आपको यही जी बिल्कुल मैं आपको वही बात करने जा रहा हूँ। ये जानकारी मुझे अभी न्यूज 18 के माध्यम से मिल रही है। कोई कानून देखिए लागू किया है या रद्द किया है प्रदेश स्तर पर, ये तो प्रदेश सरकार का एक पर्सनल अपना निर्णय हो सकता है जो कि प्रदेश की जनता के हित में होगा। लेकिन हम यहाँ बात करें आज वही असम में अगर हेमंत विश्व शर्मा की बात करें तो वो जब भी कटाक्ष करते हैं तो उनका कटाक्ष ये था कि जो असम के अंदर जनसंख्या 12.4% थी 1991 में, वही जनसंख्या 2011 में आकर के 34.3% यानी लगभग 35% के आसपास थी। और उनका यह कहना है कि अगर 2024 में जनगणना असम राज्य के अंदर कराई जाएगी तो लगभग 40% से ज्यादा का उनका मानना है कि होगी। देखिए असम में पहले भी ऑल इंडिया स्टूडेंट असम स्टूडेंट के वही आता है ना, दानिश जी ये सवाल उठा रहे थे कि फिर सही आंकड़े सामने लाने के लिए करवाना तो पड़ेगा, सरकार को कदम उठाना पड़ेगा, तो फिर उससे क्यों बच रही है सरकार, ताकि किसी के पास बोलने के लिए कुछ ना रहे ना, सब कुछ साफ हो सामने हो आंखों के। देखिए आपको आपको मैं बताऊं, नहीं मुझे लगता है कि देखिए सरकार के पास में बोलने के लिए, देखिए सरकार के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। हम अगर बात करें आज मोदी सरकार की तो हम इसके पहले भी जाते हैं, सन 2005 में चलते हैं जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो सभी को याद होगा कि देश में साचार कमेटी का गठन किया गया था जो कि मुसलमानों के पक्ष को रखने के लिए एक कमेटी थी, जिसने जो कमेटी बनी थी 9 मार्च 2005 को और 17 नवम्बर 2006 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उस रिपोर्ट के अंदर सब बहुत सारे मुख्य बिंदु थे, उसमें से एक मुख्य बिंदु ये था कि मुस्लिमों के अंदर साक्षरता लगभग 59% के आसपास थी, जो उस समय जबकि औसत साक्षरता 65% होना चाहिए। और हमारे देश के अंदर साक्षरता का मतलब होता है सिर्फ आदमी पढ़ लिख ले, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन ऐसी कोई डिग्रियों की बात नहीं होती है। तो देखिए बहुत सारे मुद्दे थे जो साचार कमेटी के अंदर भी हमको देखने को मिले मनमोहन सिंह जी की सरकार में, और आज जब गवर्नमेंट बीजेपी और एनडीए की सरकार है तो हम इसमें भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हम देखते हैं, चाहे वो सीए हो एनआरसी हो या और अन्य कोई भी कानून हो, तो हम देखते हैं जो ट्वीट था नियाज खान का, वापस मैं उसी पर लौट रही हूँ क्योंकि वहीं से चर्चा की शुरुआत हमारी हुई थी। तो उसमें उन्होंने बहुत गंभीर समस्या को एड्रेस करने की कोशिश की थी, शिक्षा की, कि साक्षरता का अभाव है और जो निजी तबका है आज भी भारत के अंदर वो भी परेशान है इस चीज से कि बच्चे ज्यादा हैं, उनको वो सुविधाएं नहीं दे पा रहा है। दानिश जी, जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आपकी आ रही है आवाज। जी जी, तो मेरे कह
न्यास खान है और आपको शायद याद होगा, ये चेहरा याद है अपर्णा जी, याद है आपको जी? इनका नाम है इंतिशार अली, इनका नाम है इंतिशार अली। उत्तर प्रदेश सरकार में थे ये, इनकी बेयर हटा दी गई थी। हाँ। क्यों? तो यही फर्क है कि न्यास खान में और इंतिशार अली में आप अपनी आंखों से देख लीजिए। अब दाढ़ी रखेंगे तो हटा देंगे, आप ये कह रहे हो, क्लीन शेव रहेंगे तो रहने दिया जाएगा, ये आप कह रहे हैं? नहीं है, सुनिए, क्लीन शेव की आपत्ति है ही नहीं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस तरीके की पोस्ट पर हैं, जिनकी अलग 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 बेयर हैं, और हमारे सिख बंधु तो उनके पूरे मजहबी लाबो लिबास में होता है, और ना सिर्फ भारत में, भारत के बाहर भी आप देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार में बैठे जो लोग हैं, न्यास खान जैसे जो लोग हैं, उनको, मुझे ये लगता है कि न्यास खान साहब को चाहिए कि बजाय बैठ के सोशल मीडिया पे, एक्स, ट्विटर पे हैंडल पे बातें करने से बेटर ये है कि आप जाएं समाज के, उनके जो नजदीक के लोग हैं, उनकी उनकी जहनीयत में इजाफा करें और उसके ऊपर काम करें, बजाय टीवी में बैठने से। बेटर तो यही रहेगा ना, हाँ। न्यास खान साहब के लिए। पंकज जी, सुना आपने, तो काम बजाय कि सियासी बहस शुरू की जाए, काम क्यों जमीन पर क्यों ना हो? जी अपर्णा जी, हम तो ये जानना चाहते हैं कि क्यों मुस्लिम समाज को रंगनाथ कमेटी जो कांग्रेस बनाती है, सच्चर कमेटी, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों हमेशा ये सवाल खड़े होते हैं दुनिया भर में कि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, बड़े आबादी उनका विषय, लेकिन वो आबादी से अक्षर शिक्षित नहीं है। आप सोचो तो कहाँ समाज जा रहा है, आज क्या आर्थिक स्थिति हमारे मुसलमान भाई बहनों की, आप देखिए कि आपके शहर में, जिस शहर में हम और आप कहीं भी रहते हो, वहां पे बाकी किसी समाज की आर्थिक स्थिति और मुस्लिम समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति देख लीजिए आप। कितने लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, कितने लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, कितने लोग अच्छी भाषाओं की जानकारी रखते हैं, कितने लोग हायर सर्विसेज में जाते हैं, कितने लोग विदेश जाते हैं, देखिए तो आप उस चीज को। क्या ऐसे ही समाज को रखना चाहते हैं? ऐसी कोई नहीं चाहता ऐसी समाज को। यदि उसी समाज से जुड़ा कोई व्यक्ति जो सफल है, आईएएस यदि सेवा में है, और यदि वो शिक्षा के जरिए समाज की सशक्तता का सुझाव देता है, तो उस पर दर्द नहीं, ये व्यक्ति को उदाहरण क्यों प्रस्तुत करना, ऐसा किया वैसा किया? तो यदि आज कोई समाज के प्रोग्रेस, सुन दो मेरे भाई, यदि आज कोई आपकी समाज की तरक्की की बात करता है तो खुले मन से सुनो, समझो और जो बेहतर उस पर अमल करो। करना नहीं करना आपका काम है ना, ये तो सलाह है। अब सलाह दी है, मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, ये आपका विषय। लेकिन सच ये है कि मुस्लिम समाज में शिक्षा का स्तर, आजीविका का स्तर, आर्थिक संपन्नता होती, साक्षरता होती, तो आप कुछ, आपके जो बच्चा कितनी संख्या पैदा करे वो आपका विषय हो सकता था, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है, संसाधन लिमिटेड है, गिनती के आईएएस ऑफिसर में नाम एक मुसलमान भाई का आता है। दानिश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, ऐड कीजिए। देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि पंकज जी जो बात कह रहे हैं, सफलता का आधार आपकी पोस्ट नहीं है। मैं समझता हूं कि व्यक्ति को नैतिकता के आधार पर अपनी जिंदगी बसर करनी चाहिए। सफलता के लिए तो शायद आपने सर, शिक्षा का महत्व है दानिश भाई, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस है। इंटरप्ट मत करिए चौधरा जी, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस है कि नहीं? बस मैं खत्म तो कर लूं बात को। देखिए, शिक्षा, सुनिए, मैं आपको बताऊं, नंबर ऑफ केसेस में आपको मिल जाएगा कि शिक्षा से लोगों ने अपने रास्ता बनाया और अच्छी अच्छी जगहों पे गए, अच्छी अच्छी जगहों पे जाकर लोगों ने करप्शन भी किया, अच्छी अच्छी जगहों पर लोगों ने जाकर अच्छे काम भी किए। तो सवाल ये है कि नैतिकता उसमें सबसे बड़ा आधार, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है क्या दानिश भाई, इतना बता दो। सुनिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि व्यक्ति अगर नैतिक नहीं है, अगर दानिश कुरैशी नैतिक नहीं है, तो फिर उसके तमाम, लेकिन दानिश कुरैशी शिक्षित है, तभी तो टीवी स्क्रीन पर बात रख पा रहे हैं ना, पार्टी का पक्ष रख पा रहे हैं दानिश जी। हाँ बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूँ, तो नैतिकता भी होती है, नैतिकता तो अशिक्षित भी होती है। अपर्णा जी, सुनिए, ईमानदारी के साथ, अपर्णा जी, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, सुनिए, मैं अपनी बात ईमानदारी के साथ रख दीजिए, यही बात मैं वही तो कह रहा हूँ कि हर आदमी को नैतिकता के साथ में अपने जिंदगी बसर करनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि आज पोस्ट में है न्यास खान, अच्छी बात है, लेकिन कल नहीं रहेंगे तब भी उनकी जिंदगी बसर करने का जो तरीका है, या कोई का भी रहेगा तरीका, आपका तरीका जिंदगी का जो जीने का तरंग है, वही आपका अंत तक होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, बजाय के क्वालिफिकेशन। क्योंकि क्वालिफिकेशन के मामले में तो मैं आपको बता दूं कि काफी लोग जो है वो बेचारे अप्लाई करते हैं आईएएस आईपीएस के लिए, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते, तो ये जरूरी
तो नहीं है, तो क्या वो अपनी पोस्ट पे नहीं आए इसलिए वो काबिल नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते चतुर्वेदी। लेकिन नहीं नहीं दानिश जी, काबिलियत से मतलब साक्षर होने से है, हर कोई आईएएस आईपीएस नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं है, पंकज जी भी नहीं है, तनुज जी भी नहीं है और नीलाब जी भी नहीं है, लेकिन इसीलिए तार्किक ज्ञान रखते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं ना, बात सिर्फ यहाँ पर हो रही है, एजुकेशन इससे तो मैटर करती है और शिक्षा का तो कोई विकल्प ही नहीं होता है। नहीं बिल्कुल सही बात है, शिक्षा का विकल्प नहीं है तो ये तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से किसको फायदा मिलेगा आप बता दीजिए। मैं बताऊं आपको, देखिए मुसलमानों से नहीं, भारत के नागरिकों से तमाम लोगों को फायदा मिलेगा, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की सरकार की जो है, अरे एमपी की जो सरकार की है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अच्छे स्कूल बनाए। आप मुझे बताइए कितने स्कूलों की छत है, बताइए मुझे कितने। दानिश जी फ्रीज हो गए आपका कनेक्शन, लेकिन स्कूलों से जुड़ा हुआ सवाल था, पंकज जवाब दीजिए। देखिए मध्य प्रदेश में स्कूल कॉलेज का लेवल ऑफ एजुकेशन कई गुना है। दानिश भाई उत्तर ले लीजिए आप, दानिश जी उत्तर ले लीजिए आप। सर आपका कनेक्शन वीक है दानिश जी, फिर बाद में आक्षेप मत लगाइएगा कि हम लोगों ने आपकी बात नहीं पूरी होने दी। मैं अपर्णा जी ये आग्रह कर रहा हूँ कि यदि कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति शिक्षित समाज की बात करता है तो उस पर आपत्ति क्या, ये जानना चाह रहा हूँ, इतनी देर से सवाल पूछ रहा हूँ। यहाँ तो ऐसा लगता है कि ऐसे लोग मुस्लिम समाज जी, के मेरा भी यही है नीलाब शुक्ला जी, जब वही मैं अब आती हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता की ओर, नीलाब जी जब सरकार की नियति यह है कि साक्षर समाज बने और समाज के हर वर्ग तक विकास पहुंचे, तो फिर जनसंख्या के मुद्दे को इतना बढ़ा चढ़ा कर जो असल समस्या है शिक्षा की, उस पर क्यों नहीं बात हो रही है, सियासत क्यों हो रही है? पंकज जी से बात करना चाहता हूँ, पंकज जी आप चाहता, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, परिवार नियोजन का पालन होना चाहिए, जनसंख्या पर वृद्धि पर रोक लगाना चाहिए। पंकज जी आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? फिर जब आप भारत, जब आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता आरएसएस के नेता ये कहते हैं कि हिंदू को 4 बच्चे पैदा करना चाहेंगे, इस तरह की कोई टिप्पणी? देखिए बच्चे बच्चे अच्छा, मेरा उत्तर सुन लो नीलाब जी, जब ज्यादा बच्चे पैदा होते उस पर आपकी टिप्पणी, मुस्लिम समाज जब ज्यादा बच्चे पैदा करते उस पर आपकी टिप्पणी, नीलाब जी मुस्लिम समाज जब ज्यादा बच्चे पैदा करते उस पर आपकी टिप्पणी, कभी आपने कहा सवाल नहीं होता, 11-12 बच्चों पर सवाल नहीं करते आप, ये लेकिन हिंदू समाज में कितने ऐसे लोग बातें मानते हैं नीलाब जी, ये भी तो देखिए ना, इस्लाम में तो दीनी शिक्षा का हवाला देते हुए कहा जाता है कि बच्चे आप कीजिए, रोजी ऊपर वाला देखेगा, और इसी से जो जो अनपढ़ मुस्लिम समाज है उसे भटकाने का काम किया जाता है, बात तो इसकी भी है ना, असल मुद्दा तो ये भी है। मध्य प्रदेश की मार डिबेट पर खैर समय इतना ही था, बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, और सियासी बवाल मचा हुआ है लेकिन देखना होगा हर किसी को अपने अपने घर में झांकने में कि देखिए उसकी आमदनी कितनी है, संसाधन कितने हैं, और उसके हिसाब से ही अपनी फैमिली को प्लान करना होगा। यहाँ पर सियासत की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि समस्या का समाधान हमें और आपको मिलकर ढूंढना होगा। फिलहाल एमपी की मार डिबेट में इतना ही, खबरें लगातार जारी है।